सो मेक श्योर दैट यू विल वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इसमें मैं आपको मतलब वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि जो आपको आपके फर्स्ट ईयर से ध्यान में रखना है और ट्राई करो कि आप इनको इम्प्लीमेंट करो

सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर फर्स्ट इयर इज दैट की आपको सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना है कि आप कॉलेज में या आपके यूनिवर्सिटी में आ, कौन से डिफरेंट टाइप के फेस्ट होते हैं देन एनुअल फंक्शंस कौन से होते हैं गैदरिंग्स होती है आ, और उसके बाद में आपके आसपास जितनी भी रिसोर्सेज होंगी आपको सबको एक्सप्लोर करना है कि आ, जैसे बहुत से कॉलेज हो, होते हैं जो खुद की मैगजीन वगैरह पब्लिश करते हैं तो आपको वो भी देखना है कि वहाँ पर क्या आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो दैन बहुत बार कॉलेजेस जो है काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाते हैं जो आपके करिकुलम से अलग हो लाइक like, अगर आप हाँ फार्मेसी बैकग्राउंड से हो तो बहुत बार बिजनेस के रिलेटेड फाइनेंस के रिलेटेड या स्पोर्ट्स के रिलेटेड फ़िटनेस के रिलेटेड ऐसे बहुत से कॉन्फ्रेंसेज या वर्कशॉप्स अरेंज करवाए जाते हैं तो आपको ट्राई करना है देखना है कि क्या आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है तो बेसिकली हमारा एम ये है फर्स्ट ईयर से कि हमको अपने आप को भी एक्सप्लोर करना है और हमको कॉलेज को यूनिवर्सिटीज़ को और जो भी लोग आपके आजू बाजू है सबको एक्सप्लोर करना है देन कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने की कोशिश करना है फर्स्ट ईयर से ही स्पेशली uh, जब आप फर्स्ट ईयर में है तो आपके जो फाइनल ईयर वाले सीनियर्स हैं uh, जो कि अभी कॉलेज से निकलने वाले हैं एंड दे कैन जॉइन लाइक एनी कंपनी फॉर देयर जॉब और दे कैन गो फॉर जी पैट प्रिपरेशन या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं एम बी ए कर सकते हैं या कोई अब्रॉड भी जा सकते हैं तो यू नेवर नो कि आपको फ्यूचर में किससे से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए ट्राई करो जब आप फर्स्ट ईयर में हो तो अपने फाइनल ईयर वाले जो सीनियर्स हैं उनके साथ में कॉन्टैक्ट तो आपको बिल्कुल बनाना है और साथ ही में जो आपकी इमीडिएट सीनियर्स हैं और जो थर्ड ईयर वाले सीनियर्स हैं सुपर सीनियर्स उनके साथ भी आपको कांटेक्ट बना के रखना है और ये कांटेक्ट्स आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे इसके साथ साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं जो आपके बैचमेट्स हैं उनके साथ भी आपकी फ्रेंडशिप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो फर्स्ट ईयर से जो स्टार्टिंग से आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करना है ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर और कौन से हिडन टैलेंट्स हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आप आगे चल के अच्छा कर सकते बाद जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है मैं आपको वो रिकमेंड करना चाहूँगी जैसे जैसे आप आपके फर्स्ट ईयर में थोड़ा लाइक आगे बढ़ते हैं गैदरिंग्स अटेंड करते हैं एनुअल फंक्शंस अटेंड करते हैं आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो एंकरिंग करते हो किसी इवेंट को हैंडल करते हो तो इसके थ्रू जो है आपकी सेल्फ ग्रोथ होने लगती है तो जो सेकेंड पॉइंट है मेरा वो इसी पे बेस्ड है कि आपको आपकी सेल्फ ग्रोथ पे भी लाइक ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान देना है आपकी ग्रूमिंग कैसी है आपकी पर्सनैलिटी कैसी डेवलप हो रही है उसके बाद आपका कम्युनिकेशन कैसा है कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही आता है नो डाउट इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज हैं अगर स्पेशली आप मार्केटिंग या फिर एम में अगर आपको इंटरव्यू देना है तो फर्स्ट थिंग वो लोग ये देखते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बिकॉज उनका ऐसा है कि आपको आ, बहुत सारे कंट्री के क्लाइंट्स के साथ भी कभी कभी कांटेक्ट करना पड़ता है इनफैक्ट इन इंडिया आल्सो लाइक अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो या कहीं दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से हो जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो साउथ इंडिया से है या फिर ऐसे जगह से है जहाँ उनको हिंदी उतने अच्छे से आती नहीं है या समझ नहीं आती है तो ऐसे केस में आपके लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी हो जाता है और अल्सो अगर आप किसी नेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो लाइक like नाइपर तो नाइपर में क्या है ना कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं तो उसके इसमें आपको अगर कम्युनिकेट उनसे करना है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए और कम्युनिकेशन में लैंग्वेज के साथ साथ जो एक इम्पॉटेंट है कि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको आप कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो अपने थाट्स को कैसे बिल्ड कर पाते हो और कितनी अच्छी तरीके से उसको सामने वाले के रख पाते हो ताकि आपका जो भी आपको कन्वे करना है मैसेज वो एकदम क्लियरली कन्वे हो जाए तो दैट इज़ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और ये प्रैक्टिस से ही आएगा अगर आप अपना कम्युनिकेशन बिल्डअप करना चाहते हो तो आप आ, मेरे पास एक सजेशन है कि आप टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं स्पेशली अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है जैसे मेरी थी पहले बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई एम हैविंग सम वॉट ग्रोथ इन माई इंग्लिश तो uh, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं स्पेशली जो आयल्स की एग्ज़ाम होती है आई जो एक अब्रॉड के लिए एग्ज़ाम होती है उनकी प्रिपरेशन करने के लिए वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो आप ऐसे ही वो ग्रुप दैट आर लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप उनको ऐसे ही ज्वाइन कर लो वहाँ बहुत बार जो है कॉल्स चलते रहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स चलते रहते हैं तो आप फ्री में ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आप जो है इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो देन आपको बहुत सारे लोग वहाँ मिलेंगे उनकी आइडियाज़ आप थोड़ी गैदर कर सकते हो और आप अपने आप को एक्सप्रेस करना वहाँ सीख सकते हो तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे अगर आप सर्च करते हो लाइक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे ओके सो so, इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए और ये भी आपका जो एक पार्ट है आपकी सेल्फ ग्रोथ का क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग आप जब करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप बहुत सारे लोगों के सामने बोल सकते हो जब फेस टू फेस जो लोग होते हैं उनके सामने आप बोल सकते हो तो पब्लिक स्पीकिंग आपको तभी आएगी जब आप स्टेज परफॉर्म करोगे या एंकरिंग करोगे तो उस टाइम पे आपको पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस मिल सकता है इसके बाद में आपको रिलेशंस मैनेज करने हैं अपने सीनियर्स के साथ में सबके साथ में आ, ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको टाइट बॉन्डिंग होना ज़रूरी है ऐसा नहीं है बट कुछ बातें होती है लाइक अगर किसी का बर्थडे है तो उनको विश करना देन अगर टीचर्स डे है तो सारे टीचर्स को विश करना और जो लोग आपके साथ में कॉन्टेक्ट में नहीं भी है जो आपको रोज नहीं मिलते हैं स्टिल उनको व्हाट्सएप उनसे बात करना या व्हाट्सएप उनसे कॉन्टेक्ट में रहना या कभी कभी कॉल करके उनके हाल पूछ लेना तो इससे क्या होता है ना कि आपके एक जो उनके साथ रिलेशन है वो मैनेज रहते हैं और आपको नहीं पता कि आपको कब किससे काम पड़ जाए तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिलेशंस को सबके साथ मैनेज करो स्पेशली सीनियर्स के साथ में क्योंकि क्लासमेट्स के साथ तो आप वैसे भी फ्रेंडली होते हो तो वो फ्रेंडशिप uh, वैसे भी बन जाती है बट सीनियर्स के साथ में आपके कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसके बाद में आपको एक हैबिट बिल्डअप करना चाहिए ये मैं आई विश कि अगर मैं तभी ये बात समझ चुकी होती तो ये काफ़ी अच्छा होता है वो है अपना एक्सपेंस मैनेज करना आई नो एज़ अ स्टूडेंट आपके अभी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है बिकॉज एंड uh, अभी आपके पास में अर्निंग का भी सोर्स नहीं होगा शायद तो लेकिन फिर भी आपका जो मंथली एक्सपेंस हो रहा है उसको आप थोड़ा सा एक्सेल शीट में या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो उसको एक किसी बुक में थोड़ा लाइक like, हम बोलते हैं ना हिसाब रखना तो वैसे टाइप में आप कर सकते हो इससे आपको एक हेल्प मिलेगी आगे चल के अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करने में इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट है दैट इज टू अरेंज सम साइड इनकम आई uh, नो कि पढ़ाई के साथ ये बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज़ हमको प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं और कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स में लाइक बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू तो मैनेज uh, अर्निंग्स सम साइड इनकम बट स्टिल अगर आप ट्राई करो तो आप किसी केमिस्ट के शॉप पे जॉब कर सकते हो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में अगर आप पार्ट टाइम कर पाओ तो वहाँ से आप कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो इसके अलावा अगर आप कंटेंट राइटिंग में अच्छे हो या वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो या बहुत सी चीज़ें हैं बिकॉज़ आजकल क्या है ना कि फ़्री बहुत चल रहा है तो ऐसे बहुत सी साइट्स है लाइक फ्रीलांसर है या इंडीड है तो इन इन जगह पे या फिर लिंक्डइन पे भी आपको ये सब मिल जाएगा तो लाइक यहाँ से आप आ, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो और जब आप इनकम जनरेट करोगे और उसमें से एक्सपेंस करोगे तो वो आपके फाइनेंशियल जो एक मैनेजमेंट है कि हम इतना अर्न कर रहे हैं इतना स्पेंड कर रहे हैं तो हमको लाइक एक अच्छी खासी आईडिया हो जाती है Uh, इसके साथ में आप चाहे तो किसी लाइक like, अगर आपको इमीडिएट अर्निंग की ज़रूरत नहीं है तो आप साइड बाय साइड किसी यूट्यूब चैनल पे काम कर सकते हो लाइक like, अपना ख़ुद का यूट्यूब चैनल बिल्ड कर सकते हो अगर आप टीचिंग में अच्छे हो लाइक like, जैसे मैं uh, मैंने थर्ड ईयर से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो जब मैं बी फार्म के थर्ड ईयर में थी तभी तो मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था तो तब से मेरा चैनल है बट इट टेक्स टाइम यूट्यूब को मोनिटाइज़ होने में और आपकी इनकम स्टार्ट होने में और जब स्टार्ट भी होती है तो बहुत होती है बिकॉज मुझे खुद को मेरा फर्स्ट पेमेंट आने के लिए डेढ़ साल लग गया था तो इसलिए आप ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और लेकिन अगर फिर भी आपको पढ़ाने का शौक़ है और आपको साइड बाई साइड अपनी स्किल्स भी बिल्डअप करनी है तो आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो या फिर कोई इंस्टा पेज खोल सकते हो जिसमें आप मीम्स है या बहुत सी चीज़ें हैं लाइक आपको बहुत लोगों को तो आइडिया है इसके बारे में तो इससे भी आप थोड़ी बहुत साइड इनकम जनरेट कर सकते हो इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ एड ऑन टू योर स्किल्स अब स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट uh, जो एक ऑन डिमांड स्किल है दैट इज़ योर कंप्यूटर स्किल्स लाइक उसमें एक्सेल है पावर पॉइंट है देन uh, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लाइक कंप्यूटर में अब मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता बट स्टिल आई एम लर्निंग इट तो ये अगर चीज़ें आप बिल्डअप करते हो तो बहुत ये आपको बाद में ऑन देगा आपके सी में इसका ऑन रहेगा तो आप जब भी किसी जॉब के लिए जाए स्पेशली लाइक डेटा एनालिटिक्स है बिज़नेस एनालिटिक्स है तो इन सब की अगर आप डेटा एनालिसिस के भी बहुत से कोर्सेज़ होते हैं ऑन कोर्सेरा या फिर यूडेमी पे तो आप कुछ फ्री कोर्सेज़ फ़ाइंड आउट करके उसको भी लर्न कर सकते हो और अपने सीवी को आप अपडेट कर सकते हो इसके बाद में Uh, अगर आपको न्यू लैंग्वेजेस सीखने का शौक है लाइक like फ्रेंच है uh, या फिर इंग्लिश uh, है इंग्लिश तो बहुत कॉमन है वो तो हर कोई सीख रहा है बट अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो वो भी आप सीख सकते हो अगर आपको उसका शौक़ है तो ओके okay, सो so, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अबाउट कि ट्राई टू इम्प्रूव योर ओवरऑल प्रोफाइल प्रोफाइल से मेरा मतलब है कि आपको अपना सीजीपीए भी थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा uh, इसके बाद में कुछ एडिशनल कोर्सेज आपको लाइक like, अगर आप कर पाते हो और अगर आप मैनेज कर पाते हो कुछ एडिशनल कोर्सेज सीखना तो दैट इज़ वेरी गुड क्योंकि इससे आपका जो प्रोफाइल है उसकी क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और ये आपको कहीं ना कहीं बाकी कैंडिडेट्स डेट से स्टैंड uh, आउट करती है बिकॉज सपोज़ अगर आपके क्लास में सिक्सटी स्टूडेंट्स है और सिक्सटी स्टूडेंट्स में से जो आप दो तीन लोग हैं कोई उन्होंने कोई एडिशनल कोर्सेज करके रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी आती है जो क्लिनिकल रिसर्च के लिए हायर कर रही है और आपके पास में उसके रिलेटेड कोई कोर्स है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के या पैसे भी देना है तो बहुत मिनिमम अमाउंट या कुछ एकदम थोड़ी सी अमाउंट दे के आप कर रहे हो कोर्सेज बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम लाखों में और पैसे दे के कोई एडिशनल कोर्स कर रहे हो वो मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रही हूँ बट स्टिल if you have something extra related to that job description in your CV तो ये आपके लिए कोई ही एड ऑन होगा बिकॉज वो जो आ, जो कंपनी आपको हायर करने के लिए आएगी वो भी तो यही देखेगी कि हम इनको क्यों ले तो इनके पास में कुछ तो एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से हम इनको लेना चाहिए तो ऐसे अगर कोई चीजें हैं और अगर आप फिगर आउट कर लेते हो कि आपको किस सेक्टर में जॉब करना है कौन सी तरीके का जॉब करना है तो आप अपनी जो आ, प्रोफाइल है उसके अंदर उस एरिया uh, के रिलेटेड कोई कोर्सेस या कोई भी सर्टिफिकेट्स बिल्डअप करने की कोशिश कर सकते हैं इसके बाद में जैसे मैंने आपको सी जी पी ए के बारे में बोला है तो हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको एब्रॉड स्टडी करना है आगे जाके तो वहाँ पे आपका सी जी पी ए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लोग जी पी ए देखते हैं दैट इज़ ऑन द स्केल ऑफ फोर तो लेकिन यहाँ पर सी जी पी ए होता है तो सी जी पी ए को ही बाद में जी पी ए में कन्वर्ट किया जाता है तो आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा खासा सी जी पी ए अपना मेंटेन करके रखो ये इम्पॉर्टेंट है ओके okay? सो so, और एक, इसके साथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ईयर से ही कि आपको अपने बेसिक्स बहुत क्लियर रखना है क्योंकि नो no डाउट अगर आपको लाइक जॉब में जाना है या जी पैट में जाना है या डी आई के लिए प्रिपेयर करना है या चाहे कोई भी चीज़ लेकिन आपको आपके फील्ड का हर सब्जेक्ट का जितने भी बेसिक कंसेप्ट है डेफिनेशन है वो सब आपको पता होनी चाहिए बिकॉज अगर आप जॉब के इंटरव्यू में भी जाते हैं तो वो लोग आपको देखेंगे कि आपके फील्ड का नॉलेज आपको कितना है अगर आप जी के लिए प्रिपेयर करते हो और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो जी की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी इसके बाद में अगर आप डी के लिए भी जाते हो तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बेसिक्स क्लियर और इसी से आपका जो ओवरऑल स्कोर है आपका सेमेस्टर का स्कोर है वो भी इम्प्रूव होगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं तो इसके साथ ही जो कुछ चीज़ें हैं अगर आपको अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप पोस्टर प्रेजेंटेशन का ट्राई कर सकते हो मैंने नहीं किया था कभी लेकिन मुझे लगता है कि काश मैंने आ, अपने बैचलर्स में किया होता पोस्टर प्रेजेंटेशन बट मैंने इसमें कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मेरा जो है वो स्टेज परफॉर्मेंस ये वो उस पर ज़्यादा हमेशा से ध्यान रहा था और नो डाउट स्टडीज़ पर भी ध्यान था बट स्टिल मैंने ये सारी चीज़ें कभी नहीं की थी कि पोस्टर प्रेजेंटेशन है या पब्लिकेशन के बारे में तो मुझे इतना पता ही नहीं था और जो लोग मतलब ऐसे किसी कॉलेज से होंगे जो किसी लाइक नॉट सो फेमस कॉलेज से या नॉट सो लाइक हाई जो हम कहते हैं वैसे कॉलेज से होंगे वो मुझसे रिलेट कर सकते होंगे क्योंकि पब्लिकेशन एंड ऑल इसके बारे में ज़्यादा बातें होती नहीं है बैचलर लेवल पे तो सोचा था कि शायद मास्टर्स में जाके मैं कोई पोस्टर प्रजेंट करूँ या मेरा कोई पब्लिकेशन होगा बट मास्टर्स में भी ऐसे हुआ कि उस टाइम कोविड आ गया तो घर पर ही थे और मुझे लगता है सिर्फ शायद आठ या नौ महीने तक ही मैं कॉलेज में थी नाइपर में तो उस टाइम भी मुझे टाइम ये कोई मौका नहीं मिला कि मैं कोई पोस्टर वगैरह कुछ कर सकूँ लेकिन अगर आपके पास में ये चांस है कि आप पोस्टर प्रेजेंटेशन में पार्ट ले सकते हो या फिर आप कॉन्फ्रेंसेस uh, अटेंड कर सकते हो रिलेटेड टू योर जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है लाइक जैसे फार्मेसी है फार्मेसी के जो आजू बाजू वाली फ़ील्ड्स है लाइक बायोटेक है माइक्रोबायोलॉजी है जेनेटिक्स है या फिर जो भी हमारे रिलेटेड जो फील्ड्स है उसके कॉन्फ्रेंसेस बहुत बार uh, अरेंज किए जाते हैं हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो ट्राई करो कि उनको आप अटेंड करो उसके बाद में अगर आप पब्लिकेशन कर पाते हो अपना खुद का रिव्यू या रिसर्च या जो भी है क्योंकि बैच प्लस में ये चीजें बहुत कम बहुत रेयर होती है बट स्टिल अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो ट्राई करो कि इसमें भी आप कुछ ना कुछ करो क्योंकि ये सारी चीज़ें स्पेशली अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है मतलब आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाना है तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है तो ट्राई करो स्ट्रेस नहीं लेना है ऐसा नहीं कि अब मैंने बोल दिया है तो बस हमको चाहिए ही पब्लिकेशन चाहिए ही ऐसा कुछ नहीं है बट ट्राई करो अगर आप कर पाओ तो अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो मिस मत ओके सो हम यहाँ तक कि जब आप अपने थर्ड ईयर में आ जाते हो तो थर्ड ईयर वो टाइम है जब आपको डिसाइड करना है कि अब आपको आपके डिग्री के बाद क्या करना है लाइक like, आपको जी पैट करनी है नाइपर करनी है या डी आई की एग्ज़ाम देनी है या गवर्नमेंट फार्मेसी देनी है फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम देनी है या यू पी एस -सी, सी जो भी आपकी स्टेट का uh, होगा एग्ज़ाम वो देना है या उसके बाद में आपको एम करना है या एब्रॉड जाना है तो एब्रॉड के लिए भी बहुत सी एग्ज़ाम्स होती है वो देनी है तो ये सारा आपको या जॉब करना है ये सारी चीज़ें आपको आपकी थर्ड ईयर तक आने तक क्लियर हो जानी चाहिए और जैसे ही आप आपके थर्ड ईयर में आते हो फिर तब से आपको सीरियसली जो भी आपको फाइनल ईयर के बात करना है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ओके okay, सो so, ये क्लियरिटी आपकी थर्ड ईयर तक आ जानी चाहिए उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो मैं यही कहूँगी कि दिस फोर ईयर्स आर रियली वेरी लाइक गुड और इसमें आपको जितना हो सके अपने स्टडीज़ के साथ साथ एंजॉय करना है ऐसा भी नहीं है कि आप बस स्टडीज़ लेके बैठ गए और उसके बाद में आपने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं की आपने कोई एंजॉय नहीं किया आपने फ्रेंड्स नहीं बनाए आप ट्रिप्स पे नहीं गए ऐसा भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं है कि आप बस ये सारे मस्ती में रह गए और आपने अपने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया ओके दोनों केस में अगर दोनों भी एक्सट्रीम केस में आप गए तो आपको चार साल के बाद रिग्रेट होने वाला है तो इसीलिए ट्राई करो कि सब कुछ बैलेंस करो जब आपके एनुअल फंक्शंस होते हैं ये होता है तो उसमें आप पूरा इन्जॉय करो ट्रिप्स होती है वहाँ इंजॉय करो लेकिन जब आपका पढ़ने का माहौल होता है जब पढ़ने की बात आती है तब तो पढ़ाई भी करो और ट्राई करो कि जितनी मेमोरीज आप कैप्चर कर सकते हो आइदर इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़ और फोटोज़ और एनी जस्ट कैप्चर इट क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो बाद में बहुत याद आती है तो यह दिस वेयर माई सिक्स पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए अगर आप अपने बैचलर्स में डिग्रीज़ में हो तो और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे एक कमेंट सेक्शन में पूछना आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर आपको दूँ ओके सो टिल देन गुड लक बाय